जय श्री राम सभी को। देखिए, आज मैं आप सभी को जन्म कुंडली को रीड करने का एक ऐसा जनरल तरीका बताऊंगा कि यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप अपने जीवन की 90% समस्याओं के कारणों का पता लगा पाएंगे। और जब समस्या के कारण का पता चल जाता है तो उसका समाधान भी निकाल पाते हैं। देखिए, जैसे एक डॉक्टर पहले पेशेंट के टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में पता लगने पर कि क्या बीमारी है या क्या उसकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वह बीमारी हुई है, तब उसकी मेडिसिन देता है और पेशेंट सही हो जाता है। उसी प्रकार आप भी कुंडली से अपनी और दूसरों के जीवन में आ रही समस्याओं का पता लगा पाएंगे और फिर उनका निवारण कर पाएंगे। देखिए, ज्योतिष एक साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें एक धरोहर के रूप में दी गई है, तो क्यों ना इस साइंस के द्वारा समस्याओं को जानें और स्वयं निवारण करें। व्यक्ति के जीवन पर जन्म के समय कुंडली में बैठे ग्रह और वर्तमान समय में चल रही ग्रहों की दशाएं और अंतरदशाएं, महादशाएं, ये सभी जीवन में वो क्या कर्म करेगा, कैसे कर्म करेगा, वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है और एक व्यक्ति जो टेररिस्ट बन जाता है और न जाने कितनों की ही जान ले लेता है। एक रोड पर खेलने वाला व्यक्ति जो कैसे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाता है, ये सब क्या है? ये सब ग्रहों का खेल है जो कि व्यक्ति के पास्ट के जन्मों के संस्कारों को भी साथ लाते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति के कर्म होते हैं। ग्रहों की महादशाओं के अनुसार व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता रहता है। यदि आपने आज का ये वीडियो पूरा देखा तो आप स्वयं जान पाएंगे कि जीवन कौन से ग्रह से कैसे चलता है, कौन सा ग्रह कैसे फल दे रहा है, वो कोई समस्या दे रहा है, कोई रोग दे रहा है, लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है। इन सब चीज़ों का आप जो है अध्ययन कर पाएंगे और अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समझ पाएंगे और उनका निवारण कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लग्न कुंडली है और कुंडली में 12 भाव होते हैं जो कि आप यहाँ देख। 12 भाव, ये आपका पहला भाव हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको भाव भी बोलते हैं, इसको घर भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट हाउस हो गया आपका, ये सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ और ट्वेल्थ। ये 12वां घर हो गया, 12th हाउस हो गया। तो ये हमेशा चार्ट में फिक्स रहते हैं। ये पहला घर है तो पहला घर ही रहेगा, फर्स्ट भाव ही रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये नहीं चेंज होते हैं। यहाँ एक नंबर लिख रहा है इसका मतलब पहला घर है, ये दो नंबर लिख रहा है इसका मतलब है दूसरा घर, यहाँ 10 नंबर लिख रहा है तो आप देखेंगे अपने चार्ट में कि यहाँ 10 नंबर लिख रहा है तो इसका मतलब ये 10वां घर है। मैं आपको बता रहा हूँ इस चार्ट में कि ये 10वां घर है, लेकिन आपके चार्ट में यहाँ और कोई नंबर भी हो सकता है, तो वो दूसरा नंबर होगा कोई, तो वो होंगी राशियाँ। और घर ये हमेशा ये पहला घर रहेगा, ये दूसरा रहेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से ये घर नंबर जो है फिक्स रहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले घर में एक नंबर ही लिखा हो, आपके यहाँ 6 नंबर भी लिखा हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो वह मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले राशि देख लेते हैं कि एक कुंडली में घर भी 12 होते हैं और राशियाँ भी 12 ही होती हैं। अब पहली राशि हो गई मेष और मेष के स्वामी होते हैं मंगल। दूसरी राशि होगी वृषभ, वृषभ के स्वामी होते हैं शुक्र।
मिथुन, मिथुन के स्वामी होते हैं बुध। कर्क, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य। कन्या के स्वामी बुध। तुला के स्वामी शुक्र। वृश्चिक के स्वामी मंगल। धनु के स्वामी गुरु। मकर के स्वामी शनि होते हैं आपके, और कुंभ के स्वामी भी शनि, और मीन के स्वामी गुरु। अब देखिए, मैं भावों के बारे में बता देता हूँ कि जैसे ये पहला भाव है, तो इस पहले भाव से या फर्स्ट हाउस से किस चीज़ का पता लगाते हैं। तो जिस भी जातक की कुंडली है, यानी आपकी कुंडली है, तो उसमें पहले घर से आप देखेंगे शरीर को कि शरीर कैसा होगा, शरीर से कैसा होगा व्यक्ति, और उसका चरित्र कैसा होगा। चरित्र का पता भी पहले घर से ही लगता है। व्यवहार कैसा होगा उसका, किस तरीके का व्यवहार वाला व्यक्ति है, व्यक्ति का रंग क्या होगा, उसके गुण कैसे होंगे, उसका मस्तिष्क कैसा होगा, तो इन सब चीजों का फर्स्ट हाउस से पता लगाएंगे कि यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सी राशि है। वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो अभी आप देख लीजिए कि इन घरों से किन किन चीजों का पता लगाते हैं। अब दूसरा घर है, ये घर होता है धन का, सेविंग का। इसे पता लगा पाएंगे कि व्यक्ति के पास सेविंग कैसी रहेगी, धन कैसा रहेगा उसके पास, स्टॉक कैसा रहेगा, और कुटुंब का कि उसका कुटुंब परिवार फैमिली कैसी रहेगी, और उसकी वाणी कैसी रहेगी, यानी कि वो बोलने चालने में व्यक्ति कैसा रहेगा, मधुर बोलेगा या कटु वाणी बोलेगा। तो इन सब चीज़ों का सेकंड हाउस से पता लगता है। और थर्ड हाउस से देखिए, थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, कि व्यक्ति का पराक्रम कैसा रहेगा, उसका साहस कैसा रहेगा। करेज का घर है ये, हिम्मत का, और छोटे भाई का, कि उसके छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे, छोटा भाई कैसा रहेगा। चौथा घर है, चौथा घर होता है सुख का। ये स्वयं का घर होता है, और ये माता का भी पता यहीं से लगता है। घर का पता लगता है, वाहन का पता लगता है, मकान का पता लगता है। तो चौथे घर में ग्रहों को देखेंगे कि कौन सा ग्रह बैठा है, तो उससे पता लगाएंगे कि सुख कैसा रहेगा उस व्यक्ति को, माता कैसी रहेगी, माता का सुख कैसा रहेगा, घर कैसा रहेगा उसके पास, आलीशान बंगला रहेगा या छोटा मकान रहेगा, कितना बड़ा मकान रहेगा, व्हीकल वाहन कैसा रहेगा उसके पास, टू व्हीलर रहेगा, फोर व्हीलर रहेगा, या मर्सिडीज रहेगी या छोटी गाड़ी रहेगी, मकान कैसा रहेगा। तो इस सब का पता लगाते हैं चौथे घर से। अब पांचवा घर देखिए, पांचवा घर होता है विद्या का, एजुकेशन का, और बुद्धि का, कि उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि कैसी होगी, और आपके प्रेम का, लव का पता लगाते हैं। लव अफेयर्स जो होते हैं उनका पंचम हाउस से ही पता लगाते हैं। छठा घर जो होता है वो होता है आपके शत्रु का, और कर्जे का, ऋण का होता है, कि बैंक से भी जैसे ऋण लेना है आपको, लोन लेना है, तो वो चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, कहीं आप फंस ना जाओ लोन लेके, तो इस हाउस से देखा जाता है। और मुकदमा यदि कोई है, मुकदमा वगैरह का, मामा का, तो इसको संघर्ष का भाव कहा जाता है। छठे भाव को, छठा भाव, आठवां भाव और बारहवां भाव, इनको त्रिक भाव कहा जाता है। और यहां से आपके कंपटीशन का पता लगता है।
कि जो आप कंपटीशन दे रहे हो उस कंपटीशन में आप सफल होगे या नहीं। तो ये कंपटीशन का भाव भी हो गया। अब सातवां भाव जो होता है वो होता है स्त्री का, और जो लड़की की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है तो उसके ये हस्बैंड का घर होता है, और पुरुष की है तो उसके लिए वाइफ का होता है। यहां से पता लगाएंगे, पार्टनर पार्टनर का भी होता है, पार्टनर का रोजगार का पता यहीं से लगाएंगे, साझेदारी का। तो यहां से स्त्री का पता लगाएंगे कि स्त्री का रंग कैसा रहेगा, उसके गुण कैसे रहेंगे, उसका चरित्र कैसा रहेगा। तो इन सब चीजों का पता सेवंथ हाउस से लगाएंगे। अब अष्टम हाउस जो होता है, अष्टम हाउस को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण है कि यह अन्वेषण का भाव भी है। और अचानक जो घटना होती है उसका भाव भी यही है। अचानक कोई घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से कोई हानि हो जाती है, और डीपली जो खोज करते हैं, डीपली खोज का पता भी इसी से लगता है, और मृत्यु के कारण का, कि मृत्यु किस कारण से होगी, किस वजह से होगी, कैसे होगी। और जो अच्छे अच्छे आविष्कारक जो हुए हैं, साइंटिस्ट जो हुए हैं, उनके अष्टम हाउस में शुभ ग्रह उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, इस वजह से वो जो है अपने जीवन में शोध कर पाए हैं, जो नई नई चीज़ों की आविष्कार किया है जिन्होंने, तो वो सब अष्टम हाउस पे डिपेंड करता है। वैसे ये नेगेटिव भाव होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि छठा भाव, आठवां भाव और बारहवां भाव, ये तीनों नेगेटिव हाउस होते हैं। तो आठवां भाव नेगेटिव होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह डीपली नॉलेज का, आविष्कार करने का, नई चीज़ों के खोजने का पता भी इसी हाउस से लगता है। अब देखिए नाइन्थ हाउस पे आते हैं, तो नाइन्थ हाउस को भाग्य का भाव कहा जाता है, कि उस व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा, धर्म कैसा रहेगा, और विदेश जाने का, कि विदेश वो जाएगा या नहीं जाएगा, और पिता के सुख का भी पता यहीं से लगाया जाता है, कि उसको पिता का सुख कैसा रहेगा, कितना रहेगा, और व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा, उसका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, अच्छा भाग्य है या बुरा भाव है, यानी कि पिछले जन्म से आप कैसे कर्मों के संस्कार लेके आए हो, इस चीज का पता नवे घर से चलता है। अब आते हैं दसवें घर पर। तो दसवें घर से देखिए राज्य का यानी गवर्नमेंट का पता लगता है, और आपके प्रोफेशन का पता भी इसी घर से लगता है, सर्विस का, और आपके इसे शोहरत, कैसी शोहरत होगी, कैसी इमेज होगी आपकी, जनता से कनेक्शन कैसा होगा, जनता में आपकी क्या जो है इज्जत होगी, क्या शोहरत होगी, तो इन सब का पता जो है दसवें घर से लगता है। बिजनेस व्यापार करोगे तो किस टाइप का बिजनेस व्यापार करोगे, या आप जो है सर्विस करोगे, ये व्यापार का घर भी है, तो दसवें घर से इन सब चीज़ों का पता लगता है। यानी कि ये घर हो गया व्यक्ति का खुद का, और ये होता है जनता का घर, यानी कि ये जनता है, यहाँ जनता से कनेक्शन कैसा रहेगा व्यक्ति का। कोई राजनेता बन रहा है तो उसका भी दसवां घर देखा जाएगा, कि वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस घर की क्या पोजीशन है, वो जनता से कनेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इन सब चीज़ों का दसवें घर से पता लगाते हैं। अब देखिए ग्यारहवां घर, ये घर होता है लाभ का, अर्निंग्स का होता है, आमदनी का होता है, और डिजायर्स का होता है,
इच्छाओं का, कि व्यक्ति की कैसी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कैसे कर्म करेगा, कि वो उसकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, उसकी आय कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी। और बड़े भाई का, कि बड़े भाई का उसको सुख रहेगा या नहीं रहेगा, बड़े भाई से उसकी कैसी बनेगी या नहीं बनेगी, तो इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं 11वें घर से। अब आते हैं 12वें घर पर। तो 12वें घर को व्यय का घर कहा जाता है, यानी कि खर्च का, एक्सपेंसेस का पता 12वें घर से लगता है। ये त्रिक भाव में आता है, यानी कि नेगेटिव घर है, तो यहाँ से एक्सपेंसेस का, हानि का पता लगाते हैं। और यदि जेल यात्रा होती है किसी की, तो उस यात्रा का, यानी कि जेल जाने का भी पहले ही पता लगा सकते हैं इस घर से, 12वें घर से। और सबसे बड़ी इसका जो प्लस पॉइंट है वो है कि विदेश का सेटलमेंट, कि व्यक्ति विदेश में सेटल होगा या नहीं होगा, इससे तो विदेश जाने का पता लगाते हैं, और इससे पता लगाते हैं विदेश में सेटलमेंट होने का, कि वो व्यक्ति वहीं रहेगा या नहीं रहेगा, वहाँ बिजनेस व्यापार सर्विस करेगा, तो विदेश में जाके सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, इसका भी 12वें भाव से ही पता लगाते हैं। और इसको मोक्ष का भाव भी कहा जाता है, यानी मोक्ष का पता भी यहीं से लगता है। और व्यक्ति को रात्रि का सही या सुख कैसा रहेगा, उसका पता भी 12वें घर से ही लगाते हैं। अब देखिए, ये देखते हैं कि ग्रह जो इन घरों में बैठे होंगे, तो उनका डिग्री से देखना है आपको, कि कितने डिग्री से क्या फल मिलता है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह आपका 3 डिग्री से और 6 डिग्री के मध्य में बैठा हुआ है, तो वो कहलाएगी उसकी बाल अवस्था, बाल अवस्था कहलाएगी। और बाल अवस्था में यदि कोई ग्रह बैठा है, तो वो 25% आपको फल देगा। अब जैसे 6-7 डिग्री से और 12 डिग्री तक कोई बैठा हुआ है ग्रह, तो वो कहलाएगी किशोर अवस्था, किशोरावस्था। और किशोरावस्था वाला ग्रह 50% फल देता है, रिजल्ट देता है। और 13 डिग्री से और 18 डिग्री इसके मध्य कोई ग्रह बैठा है, तो वो पूर्ण युवावस्था वाला, पूर्ण युवावस्था वाला ग्रह कहलाता है। और वो 100% जो है रिजल्ट देता है, यानी कि शुभ है वो, तो पूरा सुफल देगा अपना वो। और यदि अशुभ अवस्था में है, तो 100% अशुभ फल ही देगा। 19 डिग्री से 24 डिग्री तक ये हो जाती है आपके प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ अवस्था वाला ग्रह आपको 50% फल देता है। और 25 डिग्री से और 28 डिग्री ये हो जाती है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था वाला जो ग्रह है, वो 25% यानी कि 25% फल देगा। अब रहे आपके 0 डिग्री से और 2 डिग्री के तक कोई ग्रह है, और एक आपके 29 डिग्री से और 30 डिग्री तक, इन दोनों अवस्थाओं में वो ग्रह मृतावस्था में कहलाता है, मृतावस्था। मृतावस्था का आप मतलब समझ रहे हो कि वे मृत रूप में है वो, ये मृत तो नहीं होते हैं ग्रह, लेकिन अवस्था उसकी मृत समझी जाएगी। इसका मतलब यह है कि वह 0% रिजल्ट आपको देगा। कोई ग्रह इतने 0 डिग्री और 2 डिग्री के बीच है, 2 डिग्री तक है, या फिर 29 डिग्री से और 30 डिग्री तक है, तो वो 0% आपको फल देगा। तो इन डिग्रियों के हिसाब से ग्रहों को देखेंगे कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर चार्ट में बैठा हुआ है। अब देखिए, जैसे पहला घर है और यहाँ आपकी कुंडली में लिखा हुआ है 6,
यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 9, यहाँ 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। ये ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ 6 ही लिखा हो, तो घर तो पहला ही रहेगा, लेकिन 6 लिखा है तो आपके 7 भी लिखा हो सकता है। तो 7 लिखा होगा तो क्या होगी? तुला राशि होगी। तुला 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 का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो यहाँ मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, अब 6 कौन सी राशि हो गई? कन्या राशि हो गई। और कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। तो यहाँ ये कहेंगे कि बुध आपके लग्नेश हैं, यानी लगन के स्वामी कौन है? बुध हैं। बुध देव आपके लगन के स्वामी हैं, वो लग्नेश हैं। अब यहाँ मान लीजिए बुध जो है किसी दूसरी राशि में बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन इस चार्ट में अपन देख रहे हैं कि यहाँ कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बुध जो है स्वग्रही होकर के बैठे हैं, यानी स्वयं की राशि में ही होता है तो उसको कहते हैं स्वग्रही, खुद की राशि में बैठा हुआ ग्रह। तो यहाँ मान लीजिए बुध जो है स्वग्रही होकर के बैठे हैं कन्या राशि में, तो उस व्यक्ति की डिग्री भी देख लेते हैं कि कितने डिग्री पे बैठा हुआ है। अब मान लीजिए लगन में बुध बैठे हुए हैं और कौन सी राशि में है? कन्या राशि में। और डिग्री मान लीजिए वो बैठे हुए हैं आपके 15 डिग्री पर। कितने पर? 15 पर। तो अब 15 डिग्री देखते हैं कि वो कौन सी अवस्था हो गई उसकी, तो 13 डिग्री से और 18 डिग्री तक ये पूर्ण युवा अवस्था हो गई उसकी, पूर्ण युवा अवस्था। तो यहाँ कैसा रिजल्ट देंगे? वो 100% देंगे। तो बुध जो है कन्या राशि में लगन में 15 डिग्री पे बैठे हुए हैं ये, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, तो लगन में ही स्वग्रही होकर के और पूर्ण युवा अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति मेंटली रूप से बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी बात करने का तरीका, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा और बोलने की उसके अंदर इतनी कला होगी, बुद्धि होगी, वो अपने किसी भी कार्य को बिगड़ने नहीं देगा और अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने बोलने की कला के प्रभाव से, और वो अपने सभी कामों को करवा लेगा। अब अगला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता लगाना है कि आपको माता का सुख कैसा रहेगा, आपके पास जो है मकान कैसा होगा, गाड़ी किस तरीके की होगी या नहीं होगी। तो मान लीजिए यहाँ आपके चौथे घर में और गुरु बैठे हुए हैं और ये राशि हो गई धनु राशि, तो धनु राशि के स्वामी भी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो यहाँ कहेंगे कि गुरु स्वग्रही होकर के, यानी कि चौथे घर में गुरु बैठे हैं कौन सी राशि के? धनु राशि के। और मान लीजिए इनकी डिग्री भी आपके 17 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ गुरु 17 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि 17 डिग्री क्या है? वही पूर्ण युवा अवस्था है, 100% आपको रिजल्ट देंगे। तो गुरु स्वग्रही होकर के यदि यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको मकान का, वाहन का, माता का पूर्ण सुख रहेगा, मकान आलीशान रहेगा आपके पास। और दूसरी बात और बता देता हूँ कि जो पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इन 4 भावों को केंद्र भाव कहा जाता है, ये केंद्र के भाव हैं। और 5वां घर और 9वां घर, इनको त्रिकोण का भाव कहा जाता है। तो जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं वो भी ग्रह विशेष रूप से अपना फल देते हैं, और जो ग्रह 6, 8 और 12 घर में, यानी कि ये त्रिक भाव होते हैं और इनको नेगेटिव भाव कहा जाता है, तो जो ग्रह इन भावों में बैठ जाते हैं तो वो अपना रिजल्ट कम दे पाते हैं।
और बाकी ग्रह सभी इन डिग्रीज के अनुसार उनकी अवस्थाओं के अनुसार जो है अपना फल प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, बीमार है व्यक्ति जो है, तो उसका सबसे पहले छठा घर देखेंगे कि उसके बीमारी का कारण क्या है, यहाँ कौन सी राशि लिखी हुई है। अब यहाँ राशि लिखी हुई है मान लीजिए आपके 11 नंबर की, तो 11 नंबर की राशि कौन सी होती है? कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि। अब शनि को देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में शनि कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो उच्च के बैठे हुए हैं या नीच के बैठे हुए हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट इसका जो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि यदि वो उच्च के बैठे हैं तो शनि की उच्च की राशि होती है तुला राशि और नीच की राशि होती है मेष राशि। तो अब मान लीजिए शनि उनके यहाँ बैठे हैं अष्टम हाउस में, तो अष्टम हाउस भी नेगेटिव हाउस होता है, तो यहाँ से वो व्यक्ति को बीमारियों का कारण शनि बनेगा और शनि की वजह से उसको बीमारियाँ होंगी। तो शनि के उपाय करोगे आप, शनि की रेमेडीज करोगे, तो उस व्यक्ति को उसकी बीमारियों में फायदा मिलेगा, आराम मिलेगा। तो देखिए जी, आज मैंने इस वीडियो में आपको सभी घरों के बारे में, कौन से घर से किस चीज़ को देखा जाता है और कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है और ग्रह जो है कितने कितने डिग्री पे बैठे हैं तो वो जीवन में आपको कैसा फल देंगे, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे उच्च नीच ग्रहों की अवस्था उसको बता देंगे। तो बाकी इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपने आप जो है अपनी कुंडली देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह की वजह से कौन सी समस्या हो रही है और कौन सा ग्रह हमें कैसा फल दे रहा है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आई बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो है जो भी नई वीडियो बनाएं वो आपको तुरंत मिल सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।